हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक कार्ड जून 2024 में आप लोगों के लिए। ये वाला जो मंथ है, ओवरऑल मंथ वो कैसा रहने वाला है, ये पूरे मंथ की आपकी प्रेडिक्शन होगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं लव में, ओवरऑल आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, रोमांटिकली, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ सकती हैं इस मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं, क्या चेंजेस आपके अपने माइंड में, आपके हार्ट में, आपकी लाइफ में आ सकती हैं, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी ऑब्वियसली आप उसी चीज़ को ही क्रेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए हो सकता है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स इट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, ठीक है, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन जो है, अगर आपने क्रिस्टल वाइज चूज़ करना है, इंट्यूटिवली आपने पिक करना है, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये जो पाइल नंबर वन है, इसमें एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और जो पाइल नंबर टू है, इसमें कार्निलियन है, ठीक है। तो आप इंट्यूटिवली पिक कर लें अगर आप इस तरह पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तब आप अपना इनिशियल चूज़ करेंगे, जो आपका इनिशियल है, आपके नेम का इनिशियल है, ठीक है, पाइल नंबर वन में और पाइल नंबर टू में। तो आप इस लिहाज से पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स, आपके सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेट्स स्टार्ट जी। पाइल नंबर वन, वेलकम, जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, ठीक है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपके लेटर्स हैं ये इनिशियल्स आपके नेम के। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम ओरेकल्स कार्ड को देखेंगे, उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे और मज़ीद चीज़ों की तरफ। जुलाई, तो कुछ आपके लिए जुलाई में होगा, ठीक है, शायद आप जून में कुछ करेंगे और उसका रिजल्ट आपको जुलाई में मिलेगा, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, चेंजेस आने वाली हैं, वो जुलाई से आएंगी। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग हो सकता है। पहले सारे कार्ड देख लेते हैं। क्लाउड्स, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, फिर हमारे पास जग, लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, फिर हमारे पास एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, हमारे पास ए कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड, इंटरेस्टिंग, वी हैव हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, फिर हमारे पास सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, और यहाँ पे भी सन है, तो आप लियो हो सकते हैं, ठीक है, या आप लियो के साथ डील करें, आपकी लाइफ में कोई एंटर होने वाला है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, लेकिन हम और चीज़ें भी देखेंगे। यहाँ पे भी सन है, लुक्स लाइक क्लाउड, चीज़ों के चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं। वी हैव अ लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, यस यस यस। वी हैव अ बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, आप में से काफ़ी सारे लोग बटरफ्लाइज देख भी रहे होंगे, ये आपके लिए साइन होगा, या आप नेक्स्ट जब देखेंगे तो ये आपके लिए साइन होगा। ये भी हो सकता है कि आप हॉर्स ईयर में पैदा हुए हों, या कोई पैदा हुआ है वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। एयर, गुड न्यूज़, या मुझे लगता है आपके लिए डेफिनेट इट्स अ गुड न्यूज़ कमिंग। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ अ रैबिट, या रैबिट ईयर में, रैबिट या हॉर्स ईयर चाइनीज, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे है टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है उन लोगों के लिए जिनको हेल्थ में मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, यहाँ पे सन कार्ड है, तो आपकी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आप कुछ अच्छा फील करेंगे, आप कंफर्टेबल फील करेंगे, कुछ चीज़ ऐसी भी है जो आपको, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस है, वेलबींग है, और गुड न्यूज़ है जो आपको खुश कर देगी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है आपकी हेल्थ को लेके, आपको लेके, आपके बच्चों को लेके, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आपकी सक्सेस नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन और ये लेटर जब साथ में आए हैं, इट्स मीन आपको पॉपुलैरिटी मिल रही है, या आपको वो अचीवमेंट मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल सकती है जुलाई में, ठीक है, या आपकी कोई स्पेशल बिजनेस मीटिंग, या आपका फाइनली जो रिज़ल्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो चीज़ें आपको जुलाई में होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए जून है, जून से ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सन है तो ऑब्वियसली समर सीज़न में ही आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है, आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस चीज़ की आपको काफ़ी खुशी फील होगी, अचीवमेंट फील होगी। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से आपको जो है आपके टू फेस्ड फ्रेंड्स भी नज़र आएंगे, ठीक है, ऊपर से आपके बहुत अच्छे बनेंगे, अंदर से यही लोग बकवास करेंगे, भौंकेंगे पीछे, मतलब वो कैट नहीं है, वो डॉग है, मतलब दे आर बार्किंग। तो आपको ऐसे लोगों की भी पहचान हो जाएगी, क्योंकि सन का मतलब क्लैरिटी है, तो आपकी जो आपको सक्सेस मिल रही है, जो आपको खुशी मिल रही है, या जो भी आपके लिए आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो भी न्यूज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों की फिर असलियत भी नज़र आएगी फाइनली।
ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परेरी लोग हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग वेकेशन भी करेंगे, ट्रैवल भी, या आप ट्रिप पर भी जा सकते हैं फैमिली के साथ, या ओवरऑल यहाँ पे मुझे शॉर्ट जर्नी में आपका ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। अच्छा, आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स की तरफ से, एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको अपने एंजल से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आपने केयरफुल रहना है कि आप अपनी ये गुड न्यूज़ या जो खुशखबरी है, या जो भी आपकी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट चेंजेस आ रही हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, आप किससे शेयर करोगे, ये आपने सोच समझ के शेयर करना है। अगर आपको ऑलरेडी इन तरह के जो दो टू फेस्ड फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, या आपको लगता है कि ये आपके बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, तो आपने, आपको अगर ऑलरेडी इन लोगों को पता है, तो आपने इनसे ये चीज़ नहीं डिस्कस करनी है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे वार्न कर रही हूँ, एक किस्म की वार्निंग है ये, क्योंकि यही लोग फिर पीछे, क्योंकि यहाँ पे एयर है, मुझे ऐसा लगता है आप इनको गुड न्यूज़ बताएंगे, आप इनको बताएंगे कि ये गुड न्यूज़ है, ये मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, लेकिन यही लोग फिर बैठ के गॉसिप करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दे आर टू फेस फ्रेंड्स, यू आर फेक, ठीक है। मुझे लगता है या तो ये फ्रेंड्स हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, कोई है जिसको आप ये चीज़ सोच समझ के आपने बताना है कि आप ये खुशखबरी किसको सुनाने वाले हैं। बी केयरफुल, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे वार्न कर सकती हूँ। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा इसी मंथ में, शायद आपको रिवील हो जाएगा टोटली, जब आप ये न्यूज़ किसी को सुनाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये सब कुछ है, किस सब कुछ क्या हो रहा है, किसको, किसके पेट में दर्द हो रहा है, किसको तकलीफ हो रही है आपकी खुशी से, ये चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली यहाँ पे कैंडल बर्न करनी चाहिए, या आप वैसे प्रोटेक्टेड होंगे जो भी आप प्रेयर करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, जिस तरह से भी आपको, आपका रिचुअल है, जो भी आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उसके लिहाज से आपने प्रोटेक्शन मांगनी है, और वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करेगी। मुझे लगता है आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अच्छा, बटरफ्लाई यहाँ पे चेंजेस आपके लिए डेफिनेटली, जो भी चेंजेस आ रही हैं वो आपके लिए बेटर हैं। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फेमिनिन एनर्जी में भी फील आएंगी, क्योंकि यहाँ पे रैबिट भी आ रहा है और बटरफ्लाई भी आ रहा है, और यहाँ पे सन भी है, तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ शायद प्रेगनेंसी में है, शायद आपकी बॉडी चेंज हो रही है, या आपको गुड न्यूज़ या खुशखबरी मिल सकती है अबाउट योर प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या आपकी फैमिली में किसी की हो सकती है, मतलब आप गुड न्यूज़ सुनेंगे, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। प्रेगनेंसी है यहाँ पे, गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ब्लॉसम कर रही है, ब्लूम कर रही है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन ऑब्वियसली, आप अगर ये आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे रैबिट और बटरफ्लाई आपकी अपनी फेमिनिन एनर्जी के बारे में भी, आप काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी पे और अपनी पेरेंट्स पे, अपनी अट्रैक्शन पे आप शायद फोकस करें। अच्छा, किसी यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी के साथ आप, ये हैंडशेक है, किसी के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, और ये स्ट्रेंजर होगा, स्ट्रेंजर मीन आपकी नज़र में ये इंसान स्ट्रेंजर होगा, लेकिन हो सकता है इस इंसान के आने से आपको खुशखबरी मिले, आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएं, आपकी लाइफ में सक्सेस हो। अब ये कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई आपको हेल्प कर सकता है, इट्स लाइक अ हेल्पिंग हैंड, इस इंसान का एक हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, ठीक है, या कुछ कह सकते हैं कि आप बिजनेस के लिए आ रहा है कोई इंसान, या ये इंसान आपके लिए खुशखबरी लेके भी आ सकता है, ठीक है, ये इंसान आपको खुशखबरी दे भी सकता है। तो ये जो मैटर है आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी लाइट हार्टेड और केयर फ्री टाइम है। मुझे अच्छा ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, आप किसी से मीटिंग भी करेंगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, और ये काफ़ी अट्रैक्शन हो सकती है, मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे फिजिकली, ठीक है। तो ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है, ये चीज़ भी आप सुनेंगे इस इंसान से। कोई एडमायरर हो सकता है ऑब्वियसली, या कोई ऐसा इंसान जो आपको एडमायर कर रहा है, या आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो ये इंसान आपको, आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकता है, या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पब्लिक आई में हैं या जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है आपकी वजह से, आपकी अपेयरेंस की वजह से, अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अब मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों के लिए, टैरो से देख लेते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी थीम है इस मंथ की, ठीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको इसी जून से ही नज़र आएगी, लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट जुलाई में नज़र आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो टेम्परेरी हैं, लेकिन वो झट जाएंगी, आपको ऑलमोस्ट क्लैरिटी पता चल जाएगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्लियर कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसी का असली चेहरा भी आपके सामने आएगा। शायद आप किसी इंसान के बारे में आप समझ रहे हैं कि वो आपका दोस्त है, किस तरह से हैंडशेक हो रहा है, आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, किसी की रियलिटी आपके सामने आएगी। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिस वक्त अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको जुलाई तक आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट्स सी मोर। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी के साथ, ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी चीज़ के बारे में। नाउ लेट्स सी और देख लेते हैं मजीद, अब टैरोट से आप लोगों के लिए क्या है, या फोर ऑफ सोर्ड्स,
आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो आपका प्रोसेस है वो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप ज़्यादातर अपनी हेल्थ पे, अपनी फेमिनिटी पे, अपनी जो भी आपका मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, आप उस पर हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और सन भी यहाँ पे हीलिंग इंप्रूवमेंट की बात करता है, मेंटल हेल्थ की बात करता है, इमोशनल हेल्थ की बात करता है, रेस्टिंग की बात करता है। अगर आप काफ़ी अर्से से यहाँ पर रेस्टलेस थे तो अब आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होने वाली हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल कोई चीज़ है, उस ट्रबल से आप निकलने वाले हैं, फाइनेंशियल ट्रबल से, या ये भी हो सकता है कि कोई, या लुक एट दिस, अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हैं, टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉर्न या एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इंटरेस्टिंग, सन यहाँ पे फिर आ चुका है, सन ट्वाइस आ रहा है। आप लियो हो सकते हैं या आपके बर्थ चार्ट में एयर या अर्थ साइन हो सकता है, या लियो स्पेशली सन। मुझे लग रहा है यहाँ पे समर सीजन में कुछ होगा, आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। अच्छा, अगर आप पहले हार्ट ब्रोकन थे, सैड थे, मुझे लगता है आप इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से निकलने वाले हैं, आप इस पेन से निकलने वाले हैं, हार्ट ब्रेक से निकलने वाले हैं। या जिसकी आपको इस वक्त अभी समझ नहीं आ रही, उस इंसान से आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी सो हैप्पी, क्योंकि आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि ये इंसान भी शायद आपको पसंद करते हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ये इंसान आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये जो भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी दूर हो रही है, तो आपके ये जो टेंशन है वो टेंशन पीरियड से आप निकल रहे हैं, ये जो भी स्ट्रेस है आपको। या एस ऑफ कप्स, दिस इज़ अ न्यू लव, ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू लव है एस ऑफ कप, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, या न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। बट आई वुड से ये डेफिनेटली न्यू लव है आपकी लाइफ में, कोई है जो आपकी लाइफ में स्ट्रेंजर बन के आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंजर नहीं रहेगा, क्योंकि इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली या तो आप फाइनेंशियली एक दूसरे को मिलेंगे, एक हेल्पिंग हैंड बिजनेस के थ्रू, या जॉब के थ्रू, या वर्क के थ्रू आप एक दूसरे को मिलेंगे, या ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे लव, आपके लिए न्यू लव लेके आ रहा है। यहाँ पे प्रपोजल भी हो सकता है, अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो यहाँ पे प्रपोजल भी आ सकता है, लेकिन समवन कमिंग, जो भी है, दिस इज़ समवन। ये मुझे यहाँ पे लव कन्फेशन भी नज़र आ रहा है, जो आपको आज़ाद कर देगा इस टेंशन से, स्ट्रेस से, इस हार्ट ब्रेक से। आप किसी को मिस कर रहे हैं और यही इंसान फिर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, सो इट्स लुक लाइक। या फिर आप लोनली फील कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग यू आर फीलिंग लोनली, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको हार्ट ब्रेक से निकालेगा, इस पेन से निकालेगा, इस टेंशन से, स्ट्रेस से निकालेगा। इट्स लाइक अ हेल्पिंग फ्रेंड, एक फ्रेंड, एक लवर, एक दोस्त, पार्टनर बन के, या फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये वो इंसान है जो आपको नहीं छोड़ सकता, ना आपको जाने देना चाहता है। तो ये इंसान टॉरस हो सकता है, विर्गो या कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ लोगों के लिए, या कैप्रिकॉर्न डेविल। अच्छा, ये इंसान आपके साथ काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इंसान वो इंसान है जो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को आपको हाथ से नहीं निकलने देना चाहता, ये जो भी इंसान है, और आपकी तरफ ये इंसान एफर्ट करेगा। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ कन्फेशन करे, आपसे फ्रेंडशिप स्टार्ट करे, या रिलेशनशिप को आगे हाथ बढ़ाने की कोशिश करे। यहाँ पे भी आपको हैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हैंड नज़र आ रहा है, तो ये इंसान पूरी कोशिश करेगा कुछ भी करके आपसे इस रिलेशनशिप को मेंड करने का, हील करने का, या आपके करीब आने का, अगर आप एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप पहले, ये इंसान हो सकता है, ये इंसान काफ़ी कोडिपेंडेंट और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ये इस इंसान, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये इंसान को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग। यहाँ पे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे डेविल है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होंगे। या तो आप हैं, आपको टेंशन से निकलना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको इस इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, या इस इंसान को, या आप दोनों को, दोनों को ही सेम इश्यू है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला है कि ये कोई गुड न्यूज़ है, तो आपने सोच समझ के ये गुड न्यूज़ शेयर करनी है। आपको प्रमोशन या सक्सेस भी मिल सकती है वर्क वाली जगह पे, न्यू जॉब भी आपकी लग सकती है, लेकिन उसमें आपको डेफिनेटली अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, हार्ड वर्क पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग बिजनेस अपना करते हैं, सेल्फ मेड हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जैसे कहा कोई एग्रीमेंट हो सकता है, या किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, या बट इट्स अ लवर, ओके। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए इट्स अ लवर, डेफिनेटली ये लव यूनियन होने वाली है। हो सकता है आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, या कैप्रिकॉर्न के साथ। लुक एट दिस, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के दरमियान में, मतलब ये जो इंसान भी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना इंस्टेंट कनेक्शन है कि आप दोनों ही इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है कि अचानक ही बस ये बात आगे तक बढ़ जाएगी। लेकिन ये यूनियन भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो काफ़ी हर्ट हो रहा है। ये डेफिनेटली इंसान
मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको जाने देना चाहते हैं, अपने हाथ से निकलने देना चाहते हैं, तो ये इंसान कोई भी कोशिश करके आपकी तरफ ज़रूर आएगा। मुझे लगता है किसी की तरफ से आपको लव कन्फेशन भी मिलेगा। 6-6 नंबर है और 6 इज़ द मंथ ऑफ जून, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए जून में ही आपको ये इस इंसान का आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे लव करते हैं नहीं करते, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, शायद ये इंसान आपसे कन्फेस करे, इवन कुछ लोगों के लिए इंसान आपसे मिलना भी चाहेगा। तो ये जो आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, दूरी है, या जो कन्फ्यूजन है इस वक्त, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर सिंगल, दिस इज़ समवन न्यू कमिंग, तो ये डेफिनेटली प्रपोजल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस होंगे। अब मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको इस इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो इट्स अप टू यू अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट डेफिनेटली प्रपोजल इज़ कमिंग और अचानक आएगा, जो भी होगा अचानक होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों के लिए जो मैरिड लोग हैं उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की चांसेस हैं, या आपके आप कोई चीज़ ऐसी सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली में बच्चों से रिलेटेड, या मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, बट लेट्स सी। मज़ीद देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, हमारे पास है वॉन्ड्रस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी, या मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों प्लेनेट आपकी फेवर में है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ध्यान है वो प्लेनेट की तरफ जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पोजीशन आपके प्लेनेट्स की ऐसी है कि यू विल बी लकी। या मुझे लगता है आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही है। मैंने आपसे पहले बोला है यू हैव टू प्रे, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है, जो चीज़ आपने मांगी है प्लैनेट्स की, मतलब समझ लें आपकी ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप उसका यू विल बी हैप्पी, आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपकी प्लैनेटरी पोजीशन आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में हो सकती है जो आपको ये सक्सेस देने वाली है। वॉक इन ब्यूटी, तो मैंने आपसे पहले बोला है वॉक इन ब्यूटी मीन आप में से काफ़ी सारे लोग खुद काफ़ी अच्छा फील कर सकते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। चीज़ें अब आपके लिए फाइनली चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में होने वाली हैं, चीज़ें ऐसे बहने वाली हैं जैसे आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आल्सो है ब्रेकिंग ट्रायल, अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड, या मुझे लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा कोई है जो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या फाइनली आपकी विश को पूरा करेगा। मुझे लगता है आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में मैंने जैसे कहा एक मैजिक बनके, एक विश बनके आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, आपको यकीन नहीं आएगा। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ, यस कुछ लोगों के लिए यू विल ट्रैवल, आप डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे। शायद कुछ लोगों के लिए जो ये गुड न्यूज़ आपके ट्रैवल के बारे में है, शायद आप ट्रैवल करेंगे कहीं, कोई बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, या आप कहीं जॉब के लिए भी हो सकता है कहीं आपका, इट्स लाइक फाइनली आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है, या कोई आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके। या मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई आपसे मिलना चाहता है जुलाई में, ये भी हो सकता है कि शायद कोई आपके साथ प्लान बनाए और जुलाई में आप इस इंसान को मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड माई ईयर। या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं आप, और जो आप हार्डवर्क किए हैं आपने वो भी मुझे ऐसा लगता है आप एक ब्रेक थ्रू की तरफ अब बहुत करीब है उसके पहुंचने के, जो आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको रिजल्ट अब मिलेगा। या वी हैव आंसरिंग द कॉल, बॉटम ऑफ द डेक, द टाइम इज़ नाउ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डोर कोई ओपन होने वाला है अपॉर्चुनिटी का, लक का, और आपने इस डोर को आंसर करना है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या ऑफर मिलेगी, आप उसको कैसे डील करते हो और हैंडल करते हो, ऐसा लग रहा है कि वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और यहाँ पे डेयर भी है, समवन इज कमिंग, डेफिनेटली कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, सरप्राइज देने वाला है आपको, यू विल बी शॉक एंड सरप्राइज, इट्स अ गुड न्यूज़। कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप उस इंसान की तरफ। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने ये कार्निलियन स्टोन चूज़ किया है और आपके जो लेटर्स हैं वो ये हैं इनिशियल्स, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग क्या है इस मंथ की, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। वी हैव फ्लूइड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, कैरेट अपॉर्चुनिटी और विनफॉल। फिर हमारे पास माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, बट ये रोड माउंटेन्स की तरह होगा, गोल 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 गोल, वेरी डिफिकल्ट, डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में किधर हैं अभी। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। वी आल्सो हैव अ बुके, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओ
रैम अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, हो सकता है आप एरीज के साथ डील करें, इट्स वेरी क्लियर. एरीज, पाइसिस, कैप्रिकॉन, ओल्डर वुमेन, या ओके डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन. टॉर्च, स्पिरिचुअल डिवेलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. ऑल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन. स्टार, ग्रांटेड सक्सेस. और हमारे पास है डैगर, फेयर वरीज, टेंस सिचुएशन. ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी स्टबन है. मतलब ये इंसान चेंज नहीं होना चाहता, ये चाहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. स्पेशली जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं या आप किसी के साथ डील करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको दूसरे पर्सन की भी चीज़ को देखना पड़ता है. तो हो सकता है ये इंसान बहुत अग्रेसिव है, बहुत यहाँ पे है, यहाँ पे लग रहा है एरीज इंसान है. आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं या पाइसिस के साथ, कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन है, इवन लिब्रा या जेमिनी भी हो सकता है, या एक्वेरियस, एयर साइन की एनर्जी भी नज़र आ रही है. अच्छा, यहाँ पे लाइटनिंग है, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई आप पे गुस्सा कर सकता है, ठीक है, और आपने उस चीज़ को जिस तरीके से हैंडल करना है वो भी आप डेफिनेटली आप पे होगा, डिपेंड करता है. या आप किसी ऐसे एग्रेसिव पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, वो इंसान मैड होके, गुस्सा होके आपसे मतलब कोई अपनी भड़ास निकाल सकता है आप पे, या कोई ऐसे वो हो सकता है. अच्छा, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी लवर के अंदर. मतलब ऐसा इंसान, फ्रेंड या लवर, आपको लगता है कि ओके ये फ्रेंड या लवर भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको, आप जिसको अपना दोस्त समझते हो, और वो आप पे गुस्सा निकालेगा या आपको प्रोवोक करेगा या आपको हर्ट कर सकता है अपनी बात से, अपने हरकतों से, या अपने बिहेवियर से, ठीक है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डैगर है, मतलब बैक स्टैबिंग भी हो सकती है. अच्छा, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपको, इस इंसान ने आपको बैक स्टैब किया है, मतलब चीट किया है, धोखा दिया है, डिसेप्टिव है, या इस इंसान के साथ डील करना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेंस आ रहा है, ठीक है. तो लेट्स से, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि आप, ये जो रिलेशनशिप है वो ऐसा लग रहा है रोड रोड ही रोड है सारा, टेंशन और चैलेंजेस का. तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो वाकई चेंज नहीं होना चाहता. ये इंसान डिफ़िकल्ट वे में ही चेंज होगा. आप अगर इस इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, यू कांट चेंज, क्योंकि ये इंसान अपने तरीके से ही चेंज होगा, अपना लेसन खुद सीखेगा. तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिस विद द ऑल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी चीज़ें आपको सिखा रही हैं इस रिलेशनशिप के साथ. अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है. आप ओल्डर वुमेन हो, ये इंसान यंगर है आपसे, मैस्कुलिन एनर्जी है, रैम, तो हो सकता है ये इंसान यंगर मैस्कुलिन है, लड़की या लड़का जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे ओल्डर वुमेन भी कोई हो सकती है. आप ओल्डर वुमेन, लेट्स से आपकी ओल्डर बहन है, सिबलिंग है, कोई भी आपकी फैमिली में कोई ओल्डर वुमेन है, लाइक मदर इन लॉ, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश भी कर सकता है. सो बी केयरफुल. आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही कौन है, एरीज है ये इंसान, ठीक है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, या एयर साइन, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या पाइसिस, ठीक है. तो आपने देखना है इस चीज़ को. मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान किसी वाइज पर्सन से भी हो सकता है एडवाइस ले, ठीक है, हो सकता है ये इंसान किसी ओल्डर अपने किसी वाइज पर्सन जिस पे ये इंसान ट्रस्ट करता है, उससे हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन को कैसे हल किया जाए. अगर आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर ये फ्रेंड है या लवर है, कोई भी है, फ्रेंड भी हो सकता है ये इंसान और लवर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है इस कनेक्शन में. तो ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ बस आप रोड पर जा रहे हो और एक माउंटेन है, चढ़ते जा रहे हो, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, आप दोनों कि कोई मंजिल नहीं मिल रही है, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, क्लैशेज ही क्लैशेज हैं. आप हो सकता है इस इंसान पे काफ़ी गुस्सा भी हो और इस इंसान को पता है, शायद इसलिए ये इंसान हो सकता है कोशिश कर रहा हो किसी की हेल्प लेने की, या किसी के थ्रू भी आपको अप्रोच कर सकता है, या अप्रोच कर सकती है लड़की या लड़का, ये ओल्डर वुमेन या रैम जो भी है. अच्छा, आप इसे काफ़ी सारे लोग विद द ऑल एंड टॉर्च, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो आउट ग्रोन कर रहे हैं, ठीक है, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, आपको खुद भी अपने अंदर काफ़ी मेच्योरिटी नज़र आएगी. आप जिस तरह से आप पहले चीज़ों को डील करते थे, हैंडल करते थे, आप उस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है. एक और चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप इस इंसान से काफ़ी अर्से से डील कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है, आप इस इंसान के अंदर देखेंगे कि ये इंसान, आपने शायद इस इंसान को एक रास्ता विद अ टॉर्च एक चीज़ सिखाई थी या बताई थी, इस इंसान ने उस चीज़ पर बिलीव नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया, लेट से, तो अब इस इंसान की आँखें खुल सकती हैं. अभी इंसान बोलेगा ओ माय गॉड, मतलब आपने सही बोला था, आप लड़की हो लड़का जो भी, तो इस इंसान को लगेगा सब कुछ सही बोला था. अब इस इंसान को धक्के खा के शायद समझ आ रही, किसी और से धोखा खा के शायद समझ आएगी, या जो भी है. आई थिंक आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं. बी केयरफुल, आपने वो रिपीट नहीं करनी है दोबारा मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है, तो
आपने चांस भी क्यों नहीं लेना फाइनेंशियली अगर किसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेशली इस मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्लैनेट्स आपकी फेवर में नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है। आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप करेंगे उसमें आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर स्टार और बुके है, कोई सीक्रेट एडमायरर भी है आपका, अच्छा वो इंसान भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है या कोई आपको देख रहा है, ठीक है, सीक्रेटली मतलब आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है और आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, ये भी हो सकता है। या आप इस तरह के कोई इंसान हैं विद स्टार, आप हीलर हैं, टॉर्च, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं या आप काफ़ी वाइस पर्सन हैं, ठीक है, या आप आपके अंदर इंट्यूटिव चीज़ें हैं, जो भी है आप काम करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप इंटरनेट पे हैं, तो कोई ना कोई है जो आपसे बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये वो इंसान है, ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप की बात हो रही है, ये जो भी इंसान है इस इंसान ने आपसे सीखा भी बहुत कुछ है और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान पे गुस्सा है क्योंकि इस इंसान ने आपकी बात नहीं मानी, एक ये, या इस इंसान ने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया कुछ लोगों के लिए, बैक स्टैप किया, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान को उस वक्त समझ नहीं थी इतनी। मुझे लगता है यही इंसान ही अब आपको एडमायर कर रहा है क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपको ऑलरेडी चीज़ों का पता था, आपको ऑलरेडी इतनी आपने वाइस नॉलेज एक्सपीरियंस इस इंसान को एक रास्ता दिखाया है या दिखाया था, बताया था, लेकिन इस इंसान की दिमाग में चीज़ बैठने वाली नहीं थी, उस वक्त इस इंसान को अक्ल नहीं आई। ये जो भी है ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लूइड है तो डिसअपॉइंटमेंट है लवर में और फ्रेंड में, तो ये जो इंसान है शायद अब शायद आपकी तरफ अप्रोच करना चाहे, कुछ लोगों के लिए क्रश है, ओके, कोई है जो आपका क्रश है, अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा किसी के साथ चैलेंजिंग तो कोई आपका क्रश हो सकता है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, हो सकता है ये इंसान आपको अप्रोच भी करे या आपको हिंट दे विद अ टॉर्च, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपको कोई हिंट देगा या ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है, या जिस तरीके से ये इंसान आपको देखेगा अप्रोच करेगा शायद आपको समझ आ जाएगा। वर्क वाली जगह भी हो सकती है या जहाँ पे आप काफ़ी सारा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेट्स से अगर आप कहीं हील करते हैं, कहीं अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्रिएटिव वे में, ये वहाँ पे इंसान हो सकता है। अगर आप लड़के हैं तो ये ओल्डर वुमेन होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं, आप ओल्डर होगी या आपसे इंसान एज में छोटा होगा, यंगर है मतलब, तो एरीज हो सकते हैं ये इंसान या पाइसिस या कैप्रिकॉन और मुझे लग रहा है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अच्छा और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है यहाँ पे, या हेरोफेंट टॉरस एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स या पाइसिस टॉरस एंड पाइसिस, टू ऑफ पेंटिकल्स हाई प्रिस्टेस पाइसिस, दिस पर्सन दिस एनर्जी इज पाइसिस, स्ट्रांगली पाइसिस। अच्छा अगर आप पाइसिस हैं ना तो आप या आप टॉरस हैं या आप अर्साइन हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं और आपने मुझे मैंने आपसे जैसे बोला आपने पहले ऑलरेडी इस इंसान को वो चीज़ें गाइड की, आप इस इंसान की नज़र में आप स्टार बन गए हो, मतलब इस इंसान या हायरोफेंट और हाई प्रिस्टिस कितना स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, मतलब इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि वो चाह के भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और ये इंसान 24 घंटे आपके दिमाग में है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल से लग रहा है 24 घंटे मतलब आप कुछ भी कर लें यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, इसी तरह से ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, कोई आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाहता है, कोई आपको अपना सीक्रेट क्रश बताना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है या शायद आपको चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहता है, ये इंसान आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों की, क्या वजह है। अच्छा आपका आप में से काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, आप लोग क्रिएटिव हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, या इस इंसान की नज़र में यू आर द स्टार, मतलब इस इंसान को लगता है कि आपके पास वाकई कोई ऊपर से कोई है, कुछ आपके पास है कोई गिफ्ट कोई ब्लेसिंग, ठीक है। अच्छा आप जो लोग इसमें इस मंथ में शायद हो सकता है आप भी कुछ चीज़ ट्राई करें, ठीक है, आपको भी अवेकनिंग हो कि शायद आपके अंदर भी काफ़ी इंट्यूशन पावर है, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए शायद फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेंगे या रिलेशनशिप वाइज आप डिसीजन लेंगे। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी फील हो रहा है कि ये कौन इंसान है, यू कैन फील इट, ये जो भी इंसान है आपको पता मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये वही इंसान है। इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मुझे लगता है कि जब आपने इस इंसान को ये बताया था कि हमारे दरमियान में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेट्स से कि हम सोलमेट्स हैं या हम ट्विन फ्लेम्स हैं या हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है या आप काफ़ी रोमांटिक हो, फैंटेसाइज करते हो, डे ड्रीम करते हो या आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, लेट्स से आपने इस इंसान को ज़रूरी नहीं है रोमांटिक वे में बताया, फ्रेंड है, आपने इस इंसान को मैनिफेस्टेशन का तरीका बताया, आपने इस इंसान को इंट्यूशन के बारे में बताया, आपने अपने इस इंसान को ये बताया कि आप किस तरह का वर्क करते हो, लेट्स से आप टैरोट के साथ वर्क करते हो, आप फॉर्चून टेलर हो, आप हीलर हो, जो भी है आपने कुछ
ना कुछ इस इंसान को बताया, उस वक्त ये लोग स्पेशली या लोग, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, ये लोग आप पे हंस रहे थे उस वक्त, ठीक है, या ये स्पेशली ये पर्सन भी आप पे हंसा होगा, या आपका जो फ्रेंड है या लवर है, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, हंसे हैं आपकी इस वजह से। लेकिन अब इन लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं, आपके पास कोई पावर है, आपके पास वाकई कोई पावर है, एंड यू हैव वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन, आपके पास जो इंट्यूशन है स्ट्रांग है, आपके पास जो ब्लेसिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, जो आपका गिफ्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आपने बोला था एक दिन मैं आर्टिस्ट बनूंगा, और आपने इस तरह से इस फ्रेंड को या लवर को बताया था, एंड दे लाफ ऑन योर फेस। मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी, उस वक्त इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, जो भी आपने इस पर्सन को या इन लोगों को डिस्कस किया था, इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। अब यही लोग हैं जो आप, ट्रस्ट मी, जो आपकी सक्सेस को देखेंगे। अब यही लोग अपनी ही किस्मत पे हंसेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपने इनको बताई थी वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं या होंगी। स्पेशली दिस पर्सन, ये जो भी है, वाटर साइन पाइसिस या टॉरस, कैंसर भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड मुझे यहाँ पे हाई प्रिस्टी से ये एनर्जी लग रही है, यू कैन सी, इट्स अ थर्ड आई इंट्यूशन, राइट, आप देख सकते हो कि क्या चीज़ होने वाली है, क्या होगी। आपने इस इंसान के अंदर देख के आपको पता चल गया कि ये किस तरह का इंसान है, ये क्या होगा, और आपने शायद कुछ चीज़ इस इंसान को बताई, बट इसको इंसान को समझ नहीं है, या आपने इस इंसान को वार्न किया था कि ये चीज़ होगी, ये इंसान उस वक्त हंस रहा था, ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है, या कुछ भी। मतलब ये वो लोग हैं, या तो ये काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके साथ जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपके टैलेंट का, आपके इंट्यूशंस का, आपका जो भी लेट से स्किल है, आपको एक ब्लेसिंग मिली हुई है, एक आपका गिफ्ट है ऊपर की तरफ से, जो आपको विजडम है, स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टार सीड हैं, या आप इंट्यूटिव हैं, एम्पैथिक हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई स्टार सीड हो, आप इंट्यूटिव हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आप हीलर हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, आपने अपनी विश किसी इस इंसान को शेयर की थी, या आपने एक आइडिया इस इंसान को बताया था कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होंगी, या मुझे लगता है कि हमारे दरमियान में कनेक्शन है, कुछ है, आई थिंक इट्स रीडिंग, ये वो उस इंसान की बात हो रही है जो इस इंसान को उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि ये चीज़ हो सकती है, बट अब इस इंसान को समझ नहीं आ रही, लाइक दिस पर्सन इज गोइंग क्रेजी। हो सकता है इस इंसान, अच्छा एक और चीज़ भी आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आप पे हंसा हो, आपसे मिलने से पहले ये इंसान काफ़ी स्टबर्न और अग्रेसिव था, मतलब और काफ़ी डीट जिसे कहते हैं ना, एक इंसान जो किसी चीज़ पे, जिस पे मतलब मैं हूँ, इस तरह की जब एनर्जी होती है तो ऑब्वियसली, तो इस इंसान को इतना विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं था, आपको वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इस इंसान को लगता है कि आप उनको रास्ता दिखा सकते हो जो उनको नहीं पता है। अब या तो ये आपका क्लाइंट है, या ऐसा इंसान है जिसके साथ आप वर्क करोगे, क्लाइंट हो सकता है, कोई आपके लिए आपसे कोई एक्सपीरियंस, मतलब आपके एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहता है, या आपके साथ वर्क करना चाहता है, कोलैबोरेशन भी हो सकती है वर्क से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक लग रहा है या फ्रेंड लग रहा है जिसने ये सब कुछ किया। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को ऐसी चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं था, लेकिन आपको मिलने के बाद ये वही इंसान है जिसको समझ नहीं आएगी ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। या अगर ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपने चैलेंजेस का सामना किया है, तो नाउ लेट देम लाफ। इस इंसान के साथ वो चीज़ें हुई हैं, आपने वार्न किया था इस इंसान को, लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आई। या सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली पास्ट एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया, ये फ्रेंड या लवर है, डेफिनेटली फ्रेंड लवर, ये इंसान काफ़ी चेंज हो चुका है, ये भी है, ठीक है, ये इंसान काफ़ी चेंज हो गया है, ये इंसान आपको खुदा के बोलेगा मान गए, काफ़ी सारे लोग आपको मानेंगे। विद द सिक्स ऑफ कप्स हो सकता है ये वो लोग हैं जिनके साथ आप रहे, आपका बचपन गुजरा, आपके फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी है, ये जो भी हैं, जिन जो भी लोग थे, दीज पीपल डेफिनेटली मेड फन ऑफ यू, ये जो भी लोग हैं, विद द सिक्स ऑफ कप्स, बट आई थिंक दिस इज समवन, क्योंकि यहाँ पे डॉग है, लॉयल्टी की बात करता है। अच्छा, इस इंसान को ये भी रियलाइज होगा, ये जो भी इंसान है, कि यू आर द लॉयल वन, किसी को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप ही लॉयल पर्सन थे उनकी लाइफ में, जो इर्द गिर्द दे सारे वो बैक स्टैबर ही थे। इस इंसान की आंखें खुल रही हैं, बड़ी खुलने वाली आंखें, या खुल गई हैं, या आपकी आंख भी खुल सकती है किसी को लेके,
अगर आपने किसी को मतलब आपने किसी का मजाक उड़ाया था तो ये आपकी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी की एनर्जी है। लेकिन दिस इज सिक्स ऑफ कप्स, इज लाइक अ सोलमेट एनर्जी। यहाँ पे हाई प्रिस्टिस और हेरोफेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो इस अ पास्ट लाइफ। मतलब ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्या है ये कनेक्शन, मतलब वो इन चीज़ों को ना मानते हुए भी मान रहे हैं, मतलब उनसे ये दे कांट रिजिस्ट फॉलिंग फॉर यू। लेकिन हो सकता है इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है, या आपको सिक्स ऑफ पेंटिकल सिक्स सिक्स या मंथ ऑफ जून, तो जून में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने की कोशिश करे। अच्छा, आप लोगों की रिलेशनशिप मैंने जैसे आपसे कहा या तो फ्रेंडशिप के तौर पर स्टार्ट होगा, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ फ्रेंडशिप करेगा, या आप दोनों की कोलाब्रेशन होगी पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कुछ सीखना चाहता है। मुझे लगता है ये इंसान आपको पैसा दे के, जैसे एक एग्रीमेंट होता है ना वो, कि आप ये चीज़ मुझे सिखाओ, या हो सकता है ये इंसान दे विल गिव यू मनी ताकि आप उनको एक एडवाइस दो, दे नीड योर एडवाइस, उनको लगता है यू हैव पावर। ये जो भी इंसान है, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हैं, ऑब्वियसली इट्स अ एग्रीमेंट, यहाँ पे लग रहा है कोई, आप दोनों ही क्रिएटिव हैं, आप दोनों ही आर्टिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी आप काम करने वाले हैं या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये आप दोनों के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा, फाइनेंशियली आप दोनों को हेल्प करेगा ये जो भी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप स्टार्ट होने वाली है, या फ्रेंडशिप आपके जो पार्टनर है, जैसे वो फ्रेंड है, लवर है, जिसके साथ आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, आपको दिमाग से नहीं निकाल सकता। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, जैसे मैंने आपसे कहा सीक्रेट एडमायरर है। इस इंसान को आपने कुछ चीज़ कही है, बताई है, या वॉर्न किया है, या दिखाया है, जो चीज़ आपने इस इंसान को दिखाया है, आँखें खोली हैं इस इंसान की, ये इंसान अब आपके साथ इस फ्रेंडशिप, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है हमेशा के लिए। इट्स लाइक अ एग्रीमेंट, वो नहीं चाहते कि आप कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, इट्स लाइक अ मैरिज या एट ऑफ कप्स। अगर आप छोड़ के चले गए और आपकी जो चुप्पी है इस इंसान को डेफिनेटली कील कर रही है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही, इस इंसान को डर है कि वो आपको खो देंगे, तो ये इंसान डेफिनेटली, ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिससे फ्रेंड है या लवर, जिससे डेफिनेटली आप बात नहीं कर रहे, तो वो इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। मुझे लगता है इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है दैट यू आर द लॉयल वन, क्योंकि यहाँ पे ये डॉग है, तो इस इंसान को, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को किसी और पे ट्रस्ट है, उनको लगता है यू आर द लॉयल वन, आप ही सिर्फ वो लॉयल फ्रेंड हो या लवर हो जिस पे ये इंसान ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी लेट हो चुका है आपकी तरफ आने में, या अगर ये न्यू रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, इट्स अ न्यू पर्सन कमिंग, कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मिलने वाले हैं या आप मिलेंगे, या आपका क्लाइंट के तौर पे, ठीक है, लेट्स से वर्क से रिलेटेड या फ्रेंडशिप से रिलेटेड, या कुछ इस तरह से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जो बहुत आगे तक जाएगा। बट कोई है जो मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक अ स्टार एनर्जी, मतलब ये इंसान आपका हमेशा के लिए फ़ैन बन गया है, जो भी है ये इंसान, This person is really like a fan to you, or not fine fan, like a loyal fan, or loyal friend, a loyal customer, loyal client. इस तरह की ये चीज़ आपको मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये इंसान आप पे blindly trust करेगा। इस इंसान को लगेगा you are the loyal one। जी जो भी है, आपने इस इंसान को जो चीज़ रास्ता दिखाया, जो समझाया है, या जो बात आपने की है, या जो आपने इस इंसान को warn किया था, वही चीज़ इस इंसान के साथ हुई है या होगी। मुझे ऐसा लगता है कि this person know that you are the one। या मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, और लुक एट दिस किंग ऑफ वांड्स, या लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग। मुझे लगता है ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, हालांकि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, द किंग ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए बस चॉइस भी हो सकती है फायर साइन या वाटर साइन में से, या ये सेम जेंडर रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र आप पे है, एंड दिस पर्सन रियली रियली इंटू यू। ये इंसान कुछ भी करेगा आपके पास आने के लिए, दे विल टेक एक्शन। और जो लोग आर्टिस्ट हैं, मैंने आपसे कहा आप काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं, यू विल बी फाइनेंशियली अबंडेंट। जो लोग आपके आपको नहीं मानते थे, वो आपके काम को मानेंगे, ट्रस्ट मी दे विल सी इट। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। उससे पहले हम लोग यहाँ पे दो तीन कार्ड निकालें इस पाइल में, क्योंकि मैंने नहीं निकाले हैं, बिकॉज योर रीडिंग वॉज लॉन्ग। आप डेफिनेटली किसी पावरफुल पर्सन के साथ डील कर रहे हो। गेट्स ऑफ ट्रायंफ, सक्सेस एक्सपेंड इन योर लाइफ। या मुझे लगता है इस इंसान की वजह से भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे, एक प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस पर्सन नोज योर क्वालिटीज़। इस इंसान को पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, यू कैन बी द स्टार। या जिस तरह से आपने इस इंसान की हेल्प की है, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान पीछे मुड़ने वाला है।
या एम्ब्रेसिंग इंथ्यूजियाज्म, लुक एट दिस बटरफ्लाइज, इट्स इंसान को शूट आउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस. मुझे लगता है आप डेफिनेटली एक वॉन्डर वॉन्डरस, एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल आप एक पर्सन हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन, लड़की हो आप, तो मुझे लगता है कि ये इंसान, दिस पर्सन इज़ कमिंग. यू हैव अ सीक्रेट एडमायर. आप में से कुछ लोगों के लिए दो लोग भी हो सकते हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़े, एक पास्ट का हो सकता है, एक न्यू पर्सन है शायद. जर्नी बाय मून लाइट, बिलीव इन मैजिक, या मुझे लगता है यू हैव अ मैजिक, डेफिनेटली आपकी लाइफ मैजिकल तरीके से बढ़ने वाली है आगे. इस इंसान को शायद ये भी लगता हो कि आपके पास कोई मैजिक है. फाइंडिंग सेंचुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, या क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल हैं. फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे या आप अपने सोल पाथ को, पर्पस को फॉलो करेंगे. इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, या मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लिए बस अब ऑटोमेटिकली यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आपने किसी को छोड़ा था, यू मेड द राइट डिसीजन. अगर आप किसी को छोड़ रहे हो, यू विल मेड द राइट डिसीजन. आपने सिर्फ अपने ट्यूशन को सुनना है, ट्रस्ट करना है. और अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और आपको किसी के साथ कनेक्शन फील हो रहा है, इट्स वेरी स्ट्रांग, क्योंकि आप दोनों का कोई पर्पस है, इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ. या लुक एट दिस, रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन, क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी वो डेस्टिनेशन कंप्लीट होगी. बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपकी पाइल में. यहाँ पे सिंगिंग भी है, म्यूजिक भी है, ठीक है. इट्स लाइक अ फेरी टेल, कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में, इट्स लाइक अ डिज्नी फेरी टेल. आपकी जो सिचुएशन होगी वो ऐसे डिज्नी फेरी टेल की तरह लगेगी स्टोरी, बट इट्स हैपनिंग. आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बट मैजिक इज ऑन द वे. कीप डूइंग, जो चीज़ आप कर रहे हो करते रहो. किसी और के उस पर कहने पे आपने वो चीज़ रोकनी नहीं है, क्योंकि पहले जो लोग आप पे हंसेंगे, फिर वही लोग आप पे दे विल बी इनवियस ऑफ यू, जेलस ऑफ यू, और उनको लगेगा कि वाओ. क्योंकि आपको डेफिनेटली अपने तरह के लोग ज़रूर मिलेंगे जो आप पे ट्रस्ट करेंगे और जो आपको अप्रिशिएट करेंगे. और दिस पर्सन इज़ कमिंग, ऐसा लग रहा है कि कोई है जो जिसको बहुत लेट रियलाइज़ हो रहा है, शायद पास से है, और कोई और इंसान है जो फाइनली इस चीज़ को देख चुका है, उस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है या हो रहा है. और आपको शायद चूज़ करना पड़े दो लोगों में से, या सेम पर्सन ही है ये एक इंसान जिसका फायर और वाटर है चार्ट में. सो दैट्स योर रीडिंग. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.